दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 11 डिवाइस पर नया अपडेट देखने को मिल जाता है। ये अपडेट आपको 2.7 GB का देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको सिस्टम में एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट देखने को मिलता है, साथ में सिक्योरिटी पेच लेवल जुलाई मंथ का देखने को मिल जाता है। तो इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ, रिबूट करके सिंपल से अपडेट करता हूँ, क्योंकि मैंने जो फाइल है वो डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका था। और अब मेरा डिवाइस अपडेट हो चुका है, एंड्रॉयड 12 पर ये आ चुका है, MIUI 13 पर। इसके अंदर आपको कुछ लेआउट इस तरीके से देखने को मिल जाता है और ब्राइटनेस स्लाइडर आपको इस तरीके से मिलता है, म्यूजिक कंट्रोलर इस तरीके से देखने को मिल जाता है, बाकी के ऑप्शन आपको कुछ यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि अगर आप देखें, एक तरफ मेरे पास OnePlus 9 स्मार्टफोन है जो कि एंड्रॉयड 13 पर है, और दूसरी तरफ एंड्रॉयड 12 पर रन करने वाला MIUI 13 पर Xiaomi का Redmi Note 11। और चीज़ें आप इस तरफ स्लाइड करके देख सकते हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं। आप इस पर टैप करके और भी जो टॉगल हैं उनको निकाल सकते हैं, साथ में सेटिंग्स पर यहीं से आप जा सकते हैं। सेटिंग्स आपकी कुछ इस तरीके से ओपन हो चुकी हैं। अबाउट फोन के अंदर अगर आप वर्जन देखें, 13.0.1.0 देखने को मिल जाता है, छोटा सा चेंज लॉक देखने को मिलता है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेच लेवल जुलाई मंथ का देखने को मिल जाता है 2022 का, साथ में एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर जो आइकन्स हैं उनमें भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। साथ में अगर मैं वॉल्यूम रॉकर को मैं प्रेस करता हूँ तो वॉल्यूम रॉकर कुछ इस तरीके से अब देखने को मिल रहा है। अगर मैं कैमरा एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो कैमरा एप्लीकेशन पहले की तरह ही, वही सेटिंग्स, वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे बदलाव जो हैं वो थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। तो आप सभी को एंड्रॉयड 12 का अपडेट जो मिला है उसमें केवल खास बदलाव इसी को लेकर के देखने को मिला है। इसके अलावा और कुछ बदलाव अगर मुझे देखने को मिलते हैं तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल में इतना ही। अगर आपको कुछ बदलाव पता है तो आप वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।